अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज जो हमने क्वेश्चन करना है वो यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ कमेंट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब वर्ड के अंदर जो भी आपने डॉक्यूमेंट लिखे है उसके अंदर कमेंट ऐड करने का क्या मतलब है। तो इस सवाल का जवाब आपको पेज नंबर 58 पे मिल जाएगा। एडिंग अ कमेंट, अ कमेंट अबाउट अ सिलेक्टेड टेस्ट कैन बी एडिड इन द डॉक्यूमेंट। अ कमेंट कैन बी अ नोट, एक्सप्लेनेशन और रिमाइंडर डेटा यूजर ऐड टू अ डॉक्यूमेंट। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा है तो उसके अंदर आप कोई भी लाइन सिलेक्ट करके उसके ऊपर आप कमेंट, कोई नोट, कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो लिख सकते हो। वर्ड डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट इन अ बलून इन द मार्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट और इन द रिव्यूइंग पेन। मतलब अगर आपने जैसे कमेंट ऐड करना है तो वो किसी बलून की शक्ल में भी हो सकता है, किसी स्क्वायर शक्ल में या मार्जिन लाइन की शक्ल के अंदर भी हो सकता है। तो बेसिकली एडिंग अ कमेंट मतलब आपने अपने टेक्स्ट के अंदर कोई एक्स्ट्रा बात लिखनी है, कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देनी है या नोट डालना है तो वो आप कर सकते हो। सपोज ये आपका डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर आपने कमेंट ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड कर सकते हो कमेंट? सबसे पहले आप जाओगे रिव्यू में, यहाँ पे आप जो है पहले सिलेक्ट कर लो। इसके बाद जैसे आपने सपोज इस लाइन को आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है, इसके अंदर आप कमेंट डालना चाह रहे हो कोई, तो यहाँ पे आप न्यू कमेंट लिख दोगे तो ये ऐसी लाइन के अंदर जो है वो आ जाएगा, या तो ये बलून की शक्ल में आ जाएगा या मार्जिन लाइन की शक्ल में आ जाएगा। तो ये है एडिंग अ कमेंट।